वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज मैंने बना रही हूँ भिंडियाँ। भिंडियाँ मैंने धोई थी, आपको तरीके बताऊँगी इस तरह से सेव करते हैं। ये है रिप्सल ऑयल और ये है सरसों का तेल। इसमें मैंने सरसों के तेल में पकाना है, तो एक चम्मच डाल देना सरसों का तेल। और सरसों का तेल वैसे भी बहुत ही कम जो है ना जाता है। ये ओनियन है, इधर कट करके डालूँगी, फिर ये फ्राई करना है बस। जब तक मैं इन्हें काटती हूँ, और हम प्याज कर रहे हैं लाल, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बगैर पानी के ही पकाना है। अब 2 मिनट हम सिर्फ इसको ब्राउन करेंगे, और फिर हम ये भिंडियाँ इसमें खा के डाल देंगे। अभी देखिए थोड़ा सा, ये 2 मिनट हो गए, अब मैं इसके अंदर ये सारी भिंडियाँ डालने वाली हूँ। अब भिंडी को कर लिया हमने मिक्स, और अच्छे से सब ऑयल भी लग गया इसके ऊपर। अब हम डालेंगे इसमें नमक, ताकि नमक डालने से क्या होता है कि भिंडियाँ ना आपस में चिपकती कम। अब हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। पहले देखेंगे कि ज़्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि भिंडी हमारी पकाने तो नहीं है। अब 2 मिनट हम इसको ऐसे रहने देंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक दिया है, और मधा कर देंगे हम बिल्कुल स्लो गैस कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ये मिर्चे, और कुछ डालेंगे हम कुटी मिर्च। और आपको एक बात और बता दूँ मैं कि ये हैं भिंडियाँ जो कि मैंने काट के रखी हैं, इनको मैं पाउडर फॉर्म में बनाऊँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका करना क्या है। ये भी एक मेडिसिन बनती है। इनको मैं रखाऊँगी धूप में, और ये बिल्कुल सूख जाएंगी, फिर इन्हें मैं मशीन में डाल के पीस लूँगी। ये देखिए 5 मिनट हो गए, और हमने कोई भी इसमें पानी का भी एक कतरा भी नहीं डाला। और ये देखें कितनी गली गली सी हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुटी लाल मिर्चे। वैसे तो साबुत डलती है, लेकिन मेरे पास साबुत मिर्च नहीं है, और ये है कुटी मिर्च, तो यही डाल दूंगी मैं। आपको अगर तेज़ खानी है तो तेज़ डालना, वैसे तेज़ डल देंगे बस, क्योंकि मैंने ये लाल मिर्ची भी डालनी है जो मैंने काट के रखी है। वाह सुभान अल्लाह। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। अभी देखें अच्छे से हो गई, और बस अब ये 2 मिनट और बनाएंगे तो ये डन हो जाएगी। देखिए प्याज जो है इसके अंदर खुद ही ब्राउन ब्राउन हो गई है। अगर हम फुल ब्राउन करते तो ये जो है ना जल जाती, जली जली दिखती। अभी हम इसको ना 5 मिनट के लिए और बनाएंगे, फिर ये हमारी भिंडियाँ जो है डन हो जाएंगी। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 लीमू, चाहें तो आप इमली भी डाल सकती हैं, चाहें तो आप लीमू भी डाल सकती हैं, चाहे पकने के बाद डाल दें। किसी को लीमू पसंद है खट्टा, किसी को नहीं है पसंद, तो बेहतर यही है कि जो पसंद हो वो डालें। तो मैं लीमू डाल देती हूँ, लेकिन मैं पकने के बाद भी डालती हूँ और खाने के बाद, बस ये लीमू निचोड़ती हूँ इसके अंदर में। बगैर पानी की आराम से पक जाती हैं। अभी 5 मिनट बस और रखना, फिर ये डन हो जाएगा। और मध्य आँच पे रखना, बिल्कुल स्लो आए। वाह भाई वाह, हमारी भिंडियाँ हो गई हैं रेडी। अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में, किसी प्यारी प्यारी। और देखो पानी बिल्कुल नहीं डला इसमें, ये मत सोचना कि इसमें पानी डला है, पानी बिल्कुल नाम को नहीं है इसी के अंदर पानी। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, आई होप कि आपको अच्छी लगेंगी यकीनन। दोबर टेक, दोबर हराना, बामिया हरवास्की में बामिया कहते हैं, लेडी फिंगर ओकरा जर्मनी में, और आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं आप ज़रूर बताइएगा। भिंडियाँ बहुत ही अच्छी चीज़ें, और अपने अंदर ये जो घुटनों के मरीज़ होते हैं ना, उन्हें तो खानी खाना चाहिए। ये हमारे इंसुलिन लेवल को भी अच्छा करते हैं, शुगर के मरीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। अब मैं कुछ दिनों में सुखा के उसका पाउडर बना के भी दिखाऊँगी। भिंडियाँ बहुत ही अक्सर हैं हमारे लिए,
आप भी खाएं और लोगों को भी फ़ायदा दें। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, और दुआ में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दो विजेनिया, दो बटेक, दो बराना।